चल पड़े हम NH 106 है ये, यहाँ से 10 किलोमीटर नेपाल का बॉर्डर है और उसके बाद जो है वहाँ कस्टम यानी भंसार कटाएंगे हम लोग। सामने देख लीजिए थैंक्स टू विजिट इंडिया का बोर्ड लगा है और यहीं से नेपाल शुरू हो जाता है। सामने व्हाइट कलर का पिलर है, इस तरफ में भी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा पर लोकेट नहीं होगा, लेकिन ये भारत में पधारने हेतु धन्यवाद। सामने देख लीजिए व्हाइट नंबर कलर का ये जो पिलर है, यही बॉर्डर है इधर का और यहीं से नेपाल शुरू हो जाता है। सामने नेपाल का चेक पोस्ट है। सामने देखिए ये जो ट्रकों का लाइन आप इधर में देख रहे हैं, ये इंडिया से नेपाल जो ट्रक जाएगी उसके लिए वो माल मतलब सामान ले जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो सब कतार में उधर में खड़ी है। वो कस्टम क्लियरेंस मिलेगा तब ये इधर की तरफ नेपाल की तरफ चल देगा। वो रोड जो है इंडियन सीमा में है और जिस रोड पर हम इधर चल रहे हैं ये नेपाली सीमा में है, नेपाल का राजमार्ग का 1 है, सीधा मेची से महाकाली को जोड़ता है। समझ लीजिए नेपाल के दोनों छोर को, पूर्वी छोर पर से लेकर के पश्चिमी छोर तक सीधा मेची से लेकर के महाकाली तक ये रोड जाती है। ये लगभग 20 से 25 साल पुरानी ये रोड है, जब यूपी गवर्नमेंट ने इसका निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण समझ लीजिए भारत सरकार के सहयोग से ही हुआ था। और ये कोसी नदी है अपना, इधर से देखिए नेपाल की पहाड़ी की तरफ से इस तरफ में बराज की तरफ में ये जाती है। अभी कुछ दूर तक भारतीय सीमा के करीब है हम लोग। यहाँ देखिए एक तो जो बिहार में अपना ड्राई है बिहार, तो इधर पूरा गीला है, लोग उधर से आते हैं इधर और गीला होकर निकल लेते हैं, तो इसलिए इधर में भीड़ बहुत ज़्यादा। इधर में कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, पान चाय की दुकान पे भी मिल जाता है, जिधर में आप बियर और वाइन चाहिए सब जगह मिल जाएगा। और ये कोसी बराज अपना देखिए, कोसी वेलकम टू कोसी बराज, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका नींव रखा गया था और लाल बहादुर शास्त्री ने इसका इनोग्रेशन किया था इस कोसी बराज का। यहाँ से कई जो है सिंचाई के लिए योजनाएं चलती है कोसी प्रोजेक्ट का, और जब इसका निर्माण हुआ था अलग से कोसी प्रोजेक्ट कॉलोनी बनाया गया था। तो सामने यही भंसार है, भंसार हम लोगों को कटाना है, फिर जो है यहाँ से आगे की यात्रा होगी। ये सामने देख लीजिए इधर में ये सब गाड़ियाँ भंसार कटाने के लिए इधर में खड़ी है और इसी तरह का फॉर्म भरा है। कितना लगता है कार का एक दिन का? 500 रुपया नेपाली। तो इंडियन में कितना हुआ? 312 रुपया 50 पैसा। 312 रुपया 50 पैसा एवरी डे का लगता है। भंसार लेने के लिए RC चाहिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड गाड़ी का, साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये दो चीज़ें लेकर के आएंगे तो यहाँ कटेगा। किसी भी बॉर्डर पे, जिस भी बॉर्डर से आप एंट्री लेंगे वहीं पर आप भंसार कटाइए और फिर घूमते समय जितना दिन घूमना प्लान है आपका उतने दिन का ले लीजिए। चलिए हम लोग 3 दिन 4 हैं लेकिन एक्स्ट्रा एक दिन लिए कि कहीं मन बदल जाए एक दिन बढ़ने का, तो प्री लेना ना अच्छा है। उधर कितना फाइन लगता है पकड़ाने से? पकड़ाने में 2500 फाइन लगता है। 2500 फाइन ले लेगा, समझ लीजिए 500 का भंसार है, अगर आप पकड़े गए बिना भंसार के तो 5 गुना फाइन। हाँ, ये भंसार है, जो भंसार हम लोग कटाए हैं 4 दिन का, क्योंकि 3 दिन ही रहना लेकिन एक दिन का एक्स्ट्रा कटा करके आए कि कभी कहीं दिक्कत हो गया लेट हो गया तो रुकेंगे। 2500 रुपया फाइन है, उससे अच्छा एक दिन का एक्स्ट्रा भंसार कटा लिया जाए। तो 2000 रुपया नेपाली करेंसी में लगा है इसका कटवाने के लिए। इंडियन करेंसी में अगर इसको जोड़ा जाए तो 1200 कुछ रुपया होता है, समझ गए? यही है, इस तरह का कस्टम मिल जाएगा पेपर आपको, ये साथ में लेकर के कैरी करना है। कमला बलान नदी है और ये देखिए यहाँ से जब बिहार घुसती है ये भी बड़ा तांडव मचाती है। इस तरफ में देख लीजिए ये सीधा इस पहाड़ से नीचे उतरती है कमला बलान नदी, और बिहार में तांडव मचाने वाली एक और नदी है ये, इसके ब्रिज से होकर के हम लोग गुजर रहे हैं। सामने नेपाली नंबर वाली ट्रक है और ये एक बार फिर से मैं आपको दिखा दी, इसी पहाड़ से निकलता है इधर से और ये इसी रास्ते से होते हुए सामने बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है ये नदी, कमला बलान नदी। पोरताहा पहुँच गए हम लोग और यहाँ ये इंग्लिश और देवनागरी दोनों भाषाओं में यहाँ पर भी लिखा जाता है लेकिन लैंग्वेज अलग है, यहाँ पाली भाषा में लोग बोलते हैं और पाली में ही लिखते हैं। देखिए कमला कया लेन, कमला नदी का एक और लेन है ये, पीछे कमला बलान आपको दिखाई दिया हमने। और अब समझिए कि एडवेंचर वाला एरिया धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आगे बाएं देखिए हेटोड़ा चले जाएंगे, दाएं काठमांडू और सीधे हेटोड़ा, सीधे हेटोड़ा और बाएं जाएंगे तो काठमांडू, दाएं जाएंगे तो काठमांडू, इधर की तरफ जाएंगे तो काठमांडू और ये सीधा जाएंगे तो हेटोड़ा। काठमांडू जाने की रास्ते में हम हैं और सामने देखिए दोनों तरफ जो है
जंगल है ये, और रातो ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। एडवेंचर से भरपूर भरा हुआ ये रास्ता और खूबसूरत वादियाँ। सामने काठमांडू के पिक की तरफ ये आगे बढ़ता हुआ और घूम घूम के रास्ता एकदम घुमावदार। सामने उस पहाड़ी के ऊपर ये रास्ता चल करके जाएगा और व्यू देख लीजिए सामने से, क्या व्यू, एकदम पहाड़ियों के बीच से होता हुआ ये रास्ता। और है तो बहुत संकीर्ण और बहुत ही घुमावदार। सामने ये कोसी नदी है और उसी के किनारे ये रोड जो है आगे बढ़ रहा है काठमांडू की तरफ। सप्तकोसी आगे है, जहाँ से कोसी सात धाराओं में आकर के एक जगह एकत्रित होता है। समझ लीजिए यहाँ भी देखिए खनन हो रहा है और कोसी से बालू रेत निकाला जा रहा है। तो सामने जो है ये जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ के किनारे नीचे से ये रास्ता सीधा काठमांडू की तरफ आगे बढ़ रहा है। बड़ा ही एडवेंचर भरा जर्नी है जी हमारा। और अभी हम पीछे जो जिस पहाड़ी से हम उतरे हैं, समझ लीजिए सांसें रोक देने वाला रास्ता, वैसे दुर्गम रास्तों से होते हुए समझिए कि काठमांडू पहुंचना होता है। तो जिन लोगों को एडवेंचर्स का शौक है ना, उनके लिए बड़ा ही आकर्षक रहिए ये रास्ता है और उनको बहुत मजा आएगा। पूरा घूम घूम करके रास्ता आगे की तरफ बढ़ता है और ये देखिए सामने एक कोसी नदी, पूरा स्वच्छ पानी, जैसे गंगोत्री में गंगा आप देखते हैं ठीक उसी तरह से सप्तकोसी में ये हमारा कोसी नदी है। सामने देख लीजिए क्या व्यू है, देखिए गजब का व्यू। देखिए कोई माता का मंदिर है ये सामने देख लीजिए, और उनके मंदिर पर कई इस तरह के देखिए मिरर्स ये पूरे चिपका हुआ है, उसको चढ़ाया गया है। और लगता है यहाँ की कोई मन्नत मांगने की प्रथा है। यात्रा सफल रहे। अच्छा यात्रा सफल रहे, इसके लिए यात्रा सफल रहे उसके लिए जो है इधर में मन्नत मांगा जाता है। और वहाँ यहाँ देखिए कई मिरर्स देख रहे हैं, एक लाइन से यहाँ से वहाँ तक जो है दीवारों में ये चढ़ाया गया है, लोगों ने चढ़ा रखा है। अभी भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास हम लोग पीछे हैं शहर काठमांडू से, और पहाड़ियों के बीच सामने का जो नजारा है देख लीजिए, बिल्कुल मन को मोह लेने वाला, जैसा सीनरीज में हम लोग देखते हैं कुछ उसी तरह का। तो चलिए मूलकोट पहुंच गए, मूलकोट जगह है। और सामने देखिए पूरा चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ, सामने देखिए कैसे गाड़ियां उधर से चलते हुए आ रही है, और यही गाड़ी इधर से मुड़ करके यहाँ तक पहुँची। एकदम लेन ड्राइविंग सीखना पड़ेगा अगर आप यहाँ आएंगे तो। ये धूली खेल पहुँच गए हम लोग, और यहाँ से देखिए रोड जो है 4 लेन रोड हो गया है। और बता रहे हैं कि यहाँ से लेके काठमांडू तक इसी तरह से 4 लेन रोड पर अब यात्रा होगी आपकी। पीछे जो रोड था वो सिंधुपाल जाता है चाइना बॉर्डर की तरफ, और ये सीधा काठमांडू की तरफ। काठमांडू में पहला दिन और हम लोग निकल गए हैं काठमांडू की सड़कों पर ये, और जाना है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। सबसे पहला काम यही है, इसके बाद जो है घुमा जाएगा। क्या देखते हैं कैसा लगता है वो तो इसके बाद पता चलेगा आपको कि कैसा है काठमांडू शहर। कोई ख़ास नहीं, जैसा जैसे और सब टूरिस्ट पैलेस पर होता है कि जब टूरिस्ट बढ़ते हैं तो प्राइस हाइक हो जाता है, ठीक उसी तरह है इधर में भी छुट्टियों के दिन में समय में अभी जो है प्राइस ज़्यादा। ये देखिए ऊँचे ऊँचा नीचा रोड, लग रहा है कि पहाड़ी एरिया में हम लोग हैं। चलिए 19 मिनट लगेगा, 6 किलोमीटर है पशुपतिनाथ मंदिर का हम लोगों ने लगा लिया है। ट्रैफिक बहुत है क्योंकि मंडे का दिन है ये, लगभग 8:45 बजे है अभी, तो ऑफिस जाने वालों का भीड़ है सड़कों पर जैसे अन्य शहरों में होता है। लोग निकल चुके हैं और ऐसी टैक्सी देख लीजिए मारुति सुजुकी अल्टो, ये टैक्सी इधर में जैसे शिलोंग में दिखता है ठीक उसी तर्ज पर इधर भी दिख रहा है। इधर में भी धनुष ब्रिज बन गया देख लीजिए सामने जैसे राजेंद्र नगर में है। देख लीजिए रियल नेपाल की जो तस्वीर है,
पशुपतिनाथ मंदिर के कतार में हम लोग दर्शन के लिए सामने देख लीजिए। ये देखिए बैन करके सामने मंदिर है, भव्य मंदिर, और कहिए तो ये एक हेरिटेज है जो किस युग में बना था, उसमें ये कास्ट कला से बना यह मंदिर जो है, आज भी देखिए सामने कास्ट कला का नमूना आप देख सकते हैं ये वाला। और इधर ये भी मंदिर ऊपर जो देखिए बिल्डिंग कास्ट कला का ही नमूना है, और पीछे आपको दिखाऊं तो ये वाला देख लीजिए। और आज भी ये लगभग 9 स्केल का भूकंप आ जाने के बाद भी ये मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, और उसी तरह से ये अड्डी खड़ा है आज भी। तो आज हम पहुँचे हैं आपको लेकर के यहाँ दर्शन के लिए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से हम तस्वीरों को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं आपको, ताकि आप बाहर से भी कम से कम इसे देख पाएं। लंबे इंतजार के बाद दर्शन तो हो गया,